यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। If you are walking on the moon, can you hear the sounds of stones cracking behind you? Can you hear the sound of your own footsteps? है ना, चलो एक पिक्चर भी मिलके डाल दिया, मून वॉक करता हुआ भी डाल दिया बंदा। देखो यार, यहाँ पे तुम्हें जो बायो के बच्चे वो पहचान रहे होंगे, कुछ कुछ कान के अंदर का दिख रहा है। इस चैप्टर में कान के अंदर वाला बहुत सारा पार्ट आएगा ना, बहुत सारी चीज़ें बायो पे भी डिपेंड करती है ना। अपन फिजिक्स वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, बायो वाला पार्ट तुम्हें पता होगा, जिनको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो इसको सुनते ही है ना जो स्मार्ट बच्चा होता है, जो ओवर स्मार्ट बच्चा होता है, वो बोलेगा नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मून पे कोई एटमोसफियर नहीं है तो नहीं, हम साउंड नहीं सुन सकते। सही बात है, मून पे तो मैं ऐसे बातें नहीं कर सकते, पर बेटा ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है ना, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा सोचो ना थोड़ा। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक मून पे नहीं गया, तुम भी नहीं गए। अगर कभी मून पे जाने का मौका मिला, वैसे तो कोई प्लान नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह से होता है ना। बात होती है कि तुमने कभी ऑब्जर्व करा होगा, जब तुम बिल्कुल अकेले में होते हो, बिल्कुल शांत होते हो ना, बिल्कुल शांत, कोई भी नॉइस नहीं आ रही, तो मैं अपने अंदर के बॉडी के हार्ट की बीट भी तुम्हें सुनाई देती है, बिल्कुल हल्की हल्की, है ना। तो तुम समझो साउंड, सही बात है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, पर वो सिर्फ एयर पे ट्रैवल नहीं करता, इट ऑल्सो ट्रैवल्स ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड। माना कि यहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते, पर सॉलिड के थ्रू साउंड ट्रांसफर हो सकता है। साउंड क्या है? वाइब्रेशन। जब जैसे मैंने क्लैप करा, तो क्लैप करने से मेरे स्किन के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करे, और उन्होंने ये एयर को वाइब्रेट करा और उससे साउंड निकला, है ना, हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है, दैट इज हाउ वी टॉक, राइट। तो मून पे जब तुम जंप मार रहे हो, है ना, मान लो या फिर पीछे पत्थर वत्थर टूट रहे हैं, जमीन फट रही है, ज्वालामुखी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, तो यार वो तुम लैंड पे खड़े हुए होगा, अगर तुम मान लो एटमॉस्फेयर पे ऐसे लटके हो किसी तरीके से, तो ऑफकोर्स तुम्हें सुनाई नहीं देगा ना। पर अगर तुम लैंड पे हो, तुम खड़े हुए हो, तो वो वाइब्रेशंस जो हैं, वो वाइब्रेशन तुम्हारे पैरों से तुम्हारी बॉडी पे ट्रांसफर होंगे ना। और हम जिसको साउंड बोलते हैं ना, यहाँ पे होते भाई बहुत सारी सर्किटरी होती है ना, मैंने पढ़ा तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया बायो वाला पार्ट, पर वो सर्किटरी होती है, तुम्हारे ईयर ड्रम्स होते हैं, जो ईयर ड्रम्स एक्चुअल में एयर प्रेशर के वेरिएशन को सेंस करते हैं ना, वाला पार्ट नहीं है, पर इनर सर्किटरी भी होती है जो साउंड को सेंस करती है ना, कुछ हेयर वगैरह कुछ होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर कुछ सिग्नल्स वगैरह तुम्हारे ब्रेन में जाते हैं ना, वो बायो वाला पार्ट मुझे ज्यादा नहीं पता है ना, पर तुम्हारे अंदर है ना, तुम्हारे जो इंटरनल है, जो वाइब्रेशन है, जो तुम्हारी बॉडी के थ्रू आप होके जा रहे हैं, उससे भी तुम्हें साउंड सुनाई देगा। इतना जैसा साउंड हम अभी सुनते हैं वैसा सुनाई देगा, बहुत हल्का साउंड होगा, बहुत हल्का होगा, पर तुम्हें सुनाई देगा, है ना, क्योंकि हम वाइब्रेशंस को हमारा ब्रेन सेंस करता है, और वो वाइब्रेशन जरूरी नहीं है एयर के थ्रू आए, वो वाइब्रेशन सॉलिड से भी आते हैं ना। अब वो सेंसेशन कैसा होगा, वो कैसे सुनाई देगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता, बट आई एम क्यूरियस टू नो, कभी मौका मिला तो देखते हैं, तुम भी देखना, कभी किसी को पता चले तो बताना। तो पीछे जो भाई पत्थर फट रहे हैं, अगर वो पत्थर फट रहा है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो साउंड ट्रैवल करके तुम्हारे कानों तक जाएगा। और कैन यू हियर द साउंड ऑफ योर ऑन फुटस्टेप्स? यस यू कैन, क्योंकि तुम खुद वाइब्रेशन कर रहे हो एंड वाइब्रेशन ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा साउंड नहीं आएगा, पर आएगा ना, जैसा साउंड अभी आता है ना, अभी आता है, क्योंकि वो तो साउंड से होके आता है, मतलब वो एयर से ट्रैवल होके आता है, वैसा नहीं आएगा, पर बॉडी से होके आएगा वाइब्रेशन से ना।